ये मशीन का बायबैक का प्रोसेस क्या है? सर कैसा है कि जब कस्टमर यह मशीन परचेस करता है तो हम उसके साथ में एक राइटिंग में एग्रीमेंट करते हैं जो कि स्टैम्प पेपर पे हम लोग करते हैं। इस टाइप का हम लोग एक एग्रीमेंट बनाते हैं उनके और हमारे बीच में, जिसमें हम डिक्लेयर करते हैं कि हम उनको रॉ मटेरियल किस रेट में दे रहे हैं, फिनिश गुड किस रेट में परचेस कर रहे हैं, मशीन की वारंटी क्या है और कितने दिन में हम उनको पेमेंट कर रहे हैं, ये सारी चीजें उसमें हम लोग डिक्लेयर करके देते हैं। सर इसका जो रॉ मटेरियल है वो कितने में देते हैं और जो फिनिशिंग मटेरियल है वो कितने में लेते हैं आप? सर इसका रॉ मटेरियल जो है हम 200 रुपए केजी से कस्टमर को देते हैं और उनका बना हुआ माल हम 450 रुपए पर केजी से हम वापस लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं राजन उपाध्याय ओम एंटरप्राइजेज में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मैं आपको एक नए बिजनेस के बारे में बताऊंगा जिसमें कैसे वर्क करते हैं ये आप देखेंगे। चलिए दोस्तों फिर देखते हैं कि कॉटन विक्स मेकिंग बिजनेस कैसे होता है और उसको कैसे करते हैं। इसमें हम दो तरह की मशीनें डील करते हैं, फर्स्ट लॉन्ग कॉटन विक्स जो कि फुल्ली ऑटोमेटिक बोलते हैं जिसको, एक राउंड कॉटन विक्स मशीन जिसको सेमी ऑटोमेटिक भी बोलते हैं और राउंड कॉटन विक्स का फुल्ली ऑटोमेटिक भी बोलते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि लॉन्ग कॉटन विक्स फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन ऑपरेट कैसे होती है। दोस्तों इसको बोलते हैं लॉन्ग कॉटन विक्स फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन। ये सिंगल फेस पे ऑपरेट होती है, घर की लाइट के ऊपर हम इसको यूज करते हैं। जैसे कि अब देखिए यहां से हमने लाइट का प्लग ऑन किया, ये मशीन का पावर बटन है, यहां से हमने इसको ऑन किया, मशीन स्टार्ट हो गई। चलिए इसके प्रोडक्शन के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। अब ये कॉटन है, रॉ कॉटन जो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। ये कैंची है, आपको साइज जो हम देंगे उस साइज के हिसाब से आपको कॉटन को कटिंग करना है। आपने ये कॉटन कटिंग किया और ये बेल्ट जो चल रहा है पहले उसको गीला करेंगे हम लोग। ये स्प्रे है, इस तरीके से इस बेल्ट को गीला कर लेना है, नॉर्मल इसको नमी देना है। उसके बाद आपको कॉटन को इस तरीके से तोड़ तोड़ करके इसके अंदर डालना है। बहुत बहुत आसान है, कोई भी कर सकता है, घर में माताएं बहनें कोई भी कर सकती हैं इसको, बहुत इजी वर्क है ये। और देखिए बत्तियां इधर से बंद करके नीचे गिर रही हैं, देखिए बहुत आसान है। सर ये मशीन तो आपने बहुत ही बढ़िया बनाई है, लेकिन हमारे दर्शक अगर ये मशीन लेना चाहते हैं तो वो कैसे लेंगे? देखिए कैसा है कि डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर दिया हुआ है, कस्टमर चाहे तो हमको फोन कर सकता है या ऑफिस में विजिट कर सकता है और यहाँ से परचेस कर सकता है। ये मशीन आप होम डिलीवरी करते हैं क्या? हाँ बिल्कुल, हम इसे ऑल ओवर इंडिया में होम डिलीवरी देते हैं, उसके लिए कोई चार्जेस नहीं लेते हैं, कस्टमर को फ्री ऑफ कॉस्ट होम डिलीवरी देते हैं और वहाँ पे हम उनको डेमो भी, ट्रेनिंग डेमो सारी चीजें देते हैं, मशीन ऑपरेट करके उनको चलाना सिखाते हैं कि कैसे ये मशीन ऑपरेट होगा। सर ये मशीन के प्रोडक्शन के बारे में बताओ। ये मशीन का प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है 12 घंटे में आप 5 से 6 केजी का प्रोडक्शन करते हैं। कोई भी बंदा अगर 2 घंटे मशीन ऑपरेट करता है तो 1 केजी का प्रोडक्शन निकालता है। इस हिसाब से वो अगर 12 घंटे चलाते हैं तो 5 और 6 केजी के बीच में प्रोडक्शन करते हैं। सर रॉ मटेरियल और बनाया हुआ माल का कॉस्टिंग क्या है? देखिए ये रॉ मटेरियल है, ये हम कस्टमर को 300 रुपए केजी से प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और ये बना हुआ माल है, ये इस तरीके से, ये हम कस्टमर से 600 पर केजी से वापस खरीदते हैं। ये मशीन लेकर एक दिन में कितना प्रॉफिट हो सकता है? देखिए अगर कोई बंदा इसको 10 से 12 घंटे कंटिन्यू ऑपरेट करता है तो वो 1000 से 1500 रुपए इजीली कमा सकता है। कस्टमर तक रॉ मटेरियल कैसे पहुंचेगा और फिनिश गुड माल आप तक कैसे पहुंचेगा? सर ये सब ट्रांसपोर्ट के थ्रू होता है, रॉ मटेरियल हम कस्टमर को ट्रांसपोर्ट के थ्रू भेजते हैं और सामने वाला कस्टमर भी हमारे पास में सेम ट्रांसपोर्ट से ही हमारे पास में फिनिश गुड भेजता है। इसका ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कौन बेयर करता है? सर रॉ मटेरियल का ट्रांसपोर्ट चार्जेस कंपनी बेयर करती है और जो फिनिश गुड है वो कस्टमर बेयर करता है। ये मशीन का बायबैक का प्रोसेस क्या है?
सर कैसा है कि जब कस्टमर यह मशीन परचेस करता है तो हम उसके साथ में एक राइटिंग में एग्रीमेंट करते हैं जो कि स्टैम्प पेपर पे हम लोग करते हैं। इस टाइप का हम लोग एक एग्रीमेंट बनाते हैं उनके और हमारे बीच में, जिसमें हम डिक्लेयर करते हैं कि हम उनको रॉ मटेरियल किस रेट में दे रहे हैं, फिनिश गुड किस रेट में परचेस कर रहे हैं, मशीन की वारंटी क्या है और कितने दिन में हम उनको पेमेंट कर रहे हैं, ये सारी चीजें उसमें हम लोग डिक्लेयर करके देते हैं। ये एग्रीमेंट सर कितने ईयर का रहता है? ये 5 ईयर्स का एग्रीमेंट रहता है और आगे भी हम लोग इसको रिन्यू करके देते हैं कस्टमर को। सर इसको अगर रिन्यू करना हो तो उसका कुछ अदर चार्जेस है क्या? कोई चार्जेस नहीं है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट करके देते हैं हम लोग। ये मशीन अगर कोई लेना चाहता है तो इसका पेमेंट मोड क्या है? सर इसमें सारे मोड्स अवेलेबल हैं, आप इसमें कैश भी कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, नेट बैंकिंग कर सकते हैं, IMPS कर सकते हैं, NEFT कर सकते हैं और हम लोग कैश ऑन डिलीवरी भी देते हैं। आपको थोड़ा अमाउंट पे करना है बुकिंग अमाउंट, बाकी हम लोग जब डिलीवरी करेंगे मशीन उस टाइम पे हम लोग पेमेंट करेंगे लेंगे। सर ये बिजनेस तो बढ़िया है लेकिन बताओ ये मशीन का कॉस्ट क्या है? सर ये मशीन 95,000 में हम देते हैं कस्टमर्स को। अगर किसी को GST के साथ में चाहिए है तो 18% एक्स्ट्रा लगता है और हम लोग GST का बिल साथ में देते हैं उनको। ये मशीन के सर्विस और वारंटी के बारे में बताओ। सर इसका मशीन का जो वारंटी है वो 1 साल की वारंटी है और जो सर्विस है मेंटेनेंस इसका 0 है, कोई मेंटेनेंस नहीं है, 0 मेंटेनेंस है। बट फिर भी कोई प्रॉब्लम अगर आती है तो नॉर्मल प्रॉब्लम के लिए हम लोग साथ में इसका टूलकिट वगैरह सब प्रोवाइड करते हैं कि अगर कुछ तकलीफ आए तो हम लोग फोन कॉल पे और वीडियो कॉल पे सॉल्व करके दे। फिर भी अगर नहीं होता है कस्टमर से तो हम लोग मशीन मंगा लेते हैं और यहाँ से उसको सही करके फिर कस्टमर को देते हैं, जिसका ट्रैवलिंग चार्जेस 1 साल तक फ्री है। उसके बाद अगर कुछ इश्यू आती है तो ट्रैवलिंग चार्जेस कस्टमर बेयर करता है और पार्ट्स वगैरह का चार्जेस कस्टमर करता है, नॉर्मल हम लोग कोई चार्जेस नहीं करते उनको। ये फील्ड में आप कितने साल से काम कर रहे हो? सर इस फील्ड में हम लोग 3 साल से काम कर रहे हैं। हम लोग मशीन खुद मैन्युफैक्चर करते हैं और कस्टमर को हम लोग प्रोवाइड करते हैं और जिसको भी देते हैं हम लोग ये सर्विस प्रोवाइड करके देते हैं कि उसको रॉ मटेरियल और फिनिश गुड का कोई टेंशन ना हो। रॉ मटेरियल भी कंपनी प्रोवाइड करेगी और फिनिश गुड भी हम खुद ही लेंगे, इस चीज़ का टेंशन फ्री रहेगा उसका। मैं अब अपने दूसरे प्रोडक्शन के बारे में आपको बताता हूँ। इसे राउंड कॉटन विक्स मेकिंग मशीन बोलते हैं। इसका सारा प्रोसेस सेम है, पेमेंट मोड वगैरह सारी चीज़ें सब सेम है। एग्रीमेंट इसमें भी हम करते हैं, ये भी 5 साल का बायबैक हम देते हैं। रॉ मटेरियल इसमें भी हम आपको देते हैं और बना हुआ माल इसमें भी हम आपसे वैसे ही लेते हैं 5 साल तक। आइए मैं आप इसका वर्किंग प्रोसेस बताता हूँ। ये बटन है ऑन ऑफ का, यहाँ से हम ऑन किया हमने बटन तो ये मशीन देखिए चालू हो गया। ठीक है, अब यहाँ से हमने कॉटन लिया, ये देखिए बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है ज़्यादा। ये देखिए विक्स आपकी तैयार हो गई। इस तरीके से आपको बनाते रहना है इसमें। सर इसका जो रॉ मटेरियल है वो कितने में देते हैं और जो फिनिशिंग मटेरियल है वो कितने में लेते हैं आप? सर इसका रॉ मटेरियल जो है हम 200 रुपये केजी से कस्टमर को देते हैं और उनका बना हुआ माल हम 450 रुपये पर केजी से हम वापस लेते हैं। अगर ये मशीन आदमी खरीदता है तो दिन का कमाई कितना होता है सर? सर दिन का कम से कम 600-700 रुपये कमाता है बंदा, 3 से 2.5 से 3 केजी का प्रोडक्शन करता है, इस हिसाब से वो आराम से 600-700 रुपये 800 रुपये तक कमाता है। सर ये मशीन के कॉस्ट के बारे में बताना। सर ये मशीन 35,000 की पड़ती है और बाकी पेमेंट मोड जैसा हमने पहले की मशीन में बताया सब कुछ सेम है वैसा ही, बट ये होम डिलीवरी हम लोग नहीं देते हैं और ना ही हम COD देते हैं इसका, क्योंकि ये मशीन की कॉस्टिंग कम है तो हम इसको फुल पेमेंट आने के बाद हम इसको ट्रांसपोर्ट में डालते हैं कस्टमर के लिए। ओके दोस्तों, तो जल्दी जल्दी हमसे जुड़िए और लाखों रुपये कमाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक और शेयर जरूर करिए।